तो दोस्तों क्या हालचाल है, आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के वॉल्यूम 3 के काइंड ऑफ रिव्यू कह लो या फिर उस पर हम कुछ बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि मैंने भी देख के आ गया है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी हिंदी डब। तो मैं वो सब बताऊंगा आपको कि इसमें क्या होने वाला है, क्या है क्या कुछ नहीं है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए हम इस मूवी पे काइंड ऑफ रिव्यू पे बात करते हैं। तो दोस्तों हमें तो काफ़ी ज़्यादा इस मूवी से जो है भरोसा था, क्योंकि इसको बनाने वाले जो हैं अपने जेम्स गन, फिलहाल में वो डीसी में जा रहे हैं और डीसी में जा चुके हैं और उस वहाँ पे क्या करने वाले हैं धमाल वो देखेंगे आने वाले सालों में। धीरे धीरे मूवीज और सीरीज अनाउंस हो चुके हैं। तो हम इस मूवी पे बात करते हैं। तो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के और ये ट्रॉलोजी को कम्प्लीट करता है और एक काइंड एंड भी देता है कि इस मूवी को जो है कि एक एंड के लगभग पहुंचाता है ये मूवी। और इसमें कुछ हम बात करते हैं मूवी पे, देखो जो इसके सारे कैटेगरीज हैं, जो इसके राइटिंग कह लो स्टोरी कह लो, वो एक जेम्स गन पे पूरा भरोसा रहता है कि हाँ एक मूवी वो कैसे लेके आते हैं, तो उस पर कोई सवाल उठाने वाला बात नहीं है। क्योंकि मार्वल का जो पिछले रिकॉर्ड देख लो तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, क्वांटमेनिया ले लो, थॉर लव एंड थंडर ले लो, उस टाइप से इसका हाल नहीं होता है और ना इसके सीरीज वाले हाल होते हैं। VFX में मामले में एकदम जबरदस्त है और कुछ आपको मतलब कि जो मार्वल का पुराना एरा था वो आपको याद दिला देता है कि हाँ मार्वल जो है मूवीज कैसी लाता था और कैसी मूवीज वो बनाता था, वो पिछले मूवीज वाली वाइब आती रहेंगी इसमें। और जो ये गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 है, ये हमें ट्रेलर और टीजर देख के और इसके जो इंटरव्यूज वगैरह देख के तो पता चल ही गया था कि ये मूवी कहाँ पे फोकस कर रही है और कहाँ पे फोकस इसका ज़्यादा जा रहा है। तो हमें जैसे कि बताया जाता है कि रकून पे फोकस है, उसके जो है होम टाउन पे ये कैसे बनाया गया है, वो काफ़ी मतलब कि थोड़ा सा एक कह लो कि मार्वल से एक थोड़ा सा डार्क टोन कह लो कि हाँ मार्वल मूवीज में थोड़ा सा डार्क टोन पे है ये मूवी सेट। काफ़ी मतलब कि अगर आप पेट लवर हैं या एनिमल लवर हैं तो थोड़ा सा काइंड हर्ट होगा आपको, हर्ट तो होता है क्योंकि वो फीलिंग जो है रकून पे हमें वो दिखाता है, काफ़ी मतलब कि एक इमोशनल फील आता है उसको देख के कि जो और जो विलन इसका है हाई रेवोल्यूशनरी, उससे आपको तो इतना घृणा आएगा, उतना गुस्सा आएगा उसको देख के कि मतलब कि गजब। उस हिसाब से उसको उसके जो लिखा गया उसके स्टोरी और उसको कैरेक्टर उस हिसाब से उसको बनाया गया है। तो वो जेम्स गन के जो पीस मेकर सीरीज है उसमें भी वो थे, तो अपना जेम्स गन अपने दोस्तों को नहीं भूल, वो वहाँ का हॉलीवुड का भाईजान है और इंडियन में तो आप जानते हो कौन है वैसा, तो वो अपने दोस्तों को और अपने साथ काम करने वालों को हम हर जगह लेता रहता है। गमोरा की बात करते हैं, तो गमोरा पिछले जो है मूवीज में जब उसको मार दिया गया था उसके बाद वो दोबारा टाइम ट्रेवल करके आई है, तो उस हिसाब से जो उसका रिसेंट टाइम है वो ही उसका पेस अभी चलता है, क्योंकि अभी वो अपने पीटर क्विल्स के साथ उतना कनेक्ट और वो गार्जियंस के साथ उतना कनेक्ट का जो है वो फील नहीं है। जो बाकी वो थेनोस वाला जो वाइब है उसका, तो थेनोस की बेटी जो स्टार्टिंग में थी उसी टाइप से वो बनी रहती है। और एक सबका एंड जो है इस मूवी से प्रॉपर दिया जा रहा है, मतलब कि एक लग रहा है कि हाँ ये ट्रिलॉजी कंप्लीट होके एक प्रॉपर एंड पे जा रही है और सब अपना इसको होम जो है कि काफ़ी ज़्यादा लाइटेबल और लवेबल फिल्म समझ के एक जो इसका म्यूजिक टोन है, जो सिलेक्शन है, जो खास एंड में काफ़ी ज़्यादा हिट करता है, मतलब कि मूवी मजा आ जाता है देख के। काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है कलरफुल वाइब्स दे रहा है और एक अच्छे पीस पे एक पेस पे सेट करके 2.5 घंटे में आपको बोर नहीं कर रहा है, स्टोरी एकदम अच्छे से लेके जा रहा है। और जो इसका अभी रिसेंट इंटरव्यू में हमने सुना था कि जैसे और काफ़ी ज़्यादा हमें भी पता भी चला है कि जो तीनों सेट मूवीज़ हैं वो तीनों एक फैमिली पे फोकस करती हैं। जब पहला पार्ट फोकस किया था वो मदर पे था, फिर दूसरा पार्ट फादर पे और तीसरा काइंड ऑफ फैमिली पे या फिर एक पर्सनल खुद पे फोकस किया है कि हाँ हम खुद पे और अपने पे जो है गार्डियंस गैलेक्सी का जो टीम है एक फैमिली बना है उस पे फोकस करता है। काफ़ी एक अच्छे पेस पे मूवी चलती है और एक इमोशनल टच पे दे के आपको रुला देती है। मैं अगर आपको इतना कहूँ कि ये मूवी ना रिव्यू करने के लिए है, बस एक प्रॉपर ट्रिलॉजी कंप्लीट करके, क्योंकि दोबारा शायद ही जेम्स गन मार्वल के लिए मूवी बनाए तो उनका ये काम देखने के लिए आप जरूर जाएं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है। देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, फैमिली के साथ जा सकते हैं क्योंकि वो फैमिली सेंट्रिक मूवीज होती हैं
और अगर आप थोड़ा सा एनिमल लवर है तो थोड़ा सा हर्ट होगा आपको, बाकी फिल्म बहुत ही जबरदस्त है, मजा आ जाएगा आपको। क्या आप मूवी देख के आए हैं या नहीं देख के आए हैं? अगर देख के आ गए तो नीचे कमेंट में बताओ आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो ऐसे ही हम लोग वीडियो और लाते रहेंगे आपके लिए। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।